आज महाशिवरात्रि के मौके पर रणसू में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि के मौके पर उनका क्या मैसेज रहेगा। सर स्वागत है आपका एंटी क्राइम न्यूज़। देखिए ये महाशिवरात्रि का पर्व पूरी दुनिया के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है जी। भगवान शिव की पूजा की जाती है और यहाँ शिवखोड़ी के अंदर ऐतिहासिक मेला 3 दिन का लगता है जी। और पूरी दुनिया भर से यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव इस सृष्टि के महादेव हैं और महादेव की पूजा करके लोग सुख समृद्धि पाते हैं, सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं और देश और धर्म की सेवा का संकल्प लेते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही पवित्र दिन है। सर रणसू के लोगों की डिमांड है कि कटरा के साथ रेल लिंक होना चाहिए उनका, तो उसके बारे में बीजेपी की कितनी कोशिश करेगी? ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। अभी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कंडा जो से रणसू आते हैं तो सिंगल रोड है जी। पिछले बार मैं और अजय नंदा साहब दिल्ली गए, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर 20 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन करा के लाए हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल जब यहाँ शिवखोड़ी मेला होगा तो ये डबल लेन सड़क होगी जी। तो रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे और भी डेवलपमेंट होगी, होने चाहिए, जितनी अधिक डेवलपमेंट हो उसकी जरूरत। रेल लिंक के बारे में, रेल लिंक भी अगर हो तो यात्रियों को और अधिक सुविधा हो जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सड़क संपर्क है उसको सुधारा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि रणसू शिवखोड़ी को रेल लिंक के साथ